आइए आज पार्ट एक सप्लीमेंट्री क्लास टेंथ द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस यानी एडिशन का जो पार्ट है उसका जो है हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं जो 2021 के बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि 25 वर्ड में लिखने के लिए ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना इसमें। पहला क्वेश्चन है हु वाज एडिशन, एडिशन कौन था एंड वाई इज ही फेमस और वह क्यों प्रसिद्ध है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिशन स्कूल से क्यों बाहर निकाल दिया गया था। या फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड टीचर आस्क एडिशन्स पेरेंट्स, एडिशन्स के बाद पोस्ट ऑफिस रहेगा एडिशन्स पेरेंट्स, टीचर ने यानी अध्यापक ने एडिशन के माता पिता से क्या कहा, टू टेक हिम क्यों कहा। ये व्हाट भले है तो व्हाई भी आता, व्हाई व्हाई क्यों कहा, व्हाई डिड टीचर आस्क एडिशन्स पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, ठीक है ना। अध्यापिका ने एडिशन के माता पिता से क्यों उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए कहा, या किस प्रकार से व्हाट रहेगा, किस प्रकार से अध्यापिका ने उसके माता पिता को स्कूल से निकालने के लिए कहा। क्लियर, तो ये सभी प्रश्न हैं जो आपके बुक में मिल भी जाएंगे, लिखाया भी गया है, अंसाल में भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या विद्या क्वेश्चन सीरीज भी रखे हुए उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी स्रोतों से जो है देख के, अंसाल से देख के, जो इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है वही सिलेक्ट करके लाया हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लोगे 100% पूरा फंसने की गारंटी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर, एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक था। द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स, अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल कि उसे स्कूल से बाहर ले जाएं। बिकॉज क्योंकि हिज टीचर थॉट, क्योंकि उसकी अध्यापिका ने सोचा हिम उसे स्टूपिड एंड नाटी, क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसे मूर्ख और शरारती सोचा था या समझ लिया था। क्लियर, एक बार फिर से बता देना स्पीडली, क्योंकि हिंदी जानते रहोगे तो इंग्लिश लिखने में दिक्कत नहीं होगी, याद भी हो जाएगा और बनाकर भी आप लिख सकते हो, इसलिए पूरी हिंदी समझो, नोट्स से मैं आपको समझा रहा हूँ। एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक था। साइंटिस्ट माने होता वैज्ञानिक, साइंटिस्ट में यस नहीं रहेगा, साइंटिस्ट खाली रहेगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। बिकॉज हिज टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड नॉट, क्योंकि उसकी अध्यापिका ने उसे मूर्ख और शरारती समझ लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन रेलवे में क्यों ज्वाइन किया, ज्वाइन मैंने सम्मिलित होना, नौकरी कर लेना, रेलवे में क्यों ज्वाइन सम्मिलित हो गया था या नौकरी कर लिया था। या फिर हाउ वाज ही डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, वह नौकरी से कैसे निकाल दिया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर देखिए व्हाई वाज ही डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, वह नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, ये तीन क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, यही क्वेश्चन जो है इसमें और भी आर करके हैं, व्हाई डिड एडिसन डिसाइड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, एडिसन रेलवे में नौकरी कर लेने का क्यों निश्चय किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हु वाज एडिसन, व्हाई डिड ही, ठीक है, ज्वाइन रेलवे, या व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे एंड व्हाई वाज ही डिसमिस फ्रॉम द जॉब, रेलवे क्यों ज्वाइन किया और नौकरी से क्यों निकाल दिया, दोनों प्रश्न मिलाकर भी पूछे जा सकते हैं, अलग से भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो आपको इतने प्रश्न आपको बता दिए गए, तो चलिए आंसर देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए एडिसन ज्वाइन द रेलवे, एडिसन रेलवे में ज्वाइन माने सम्मिलित हो गया, बिकॉज ही नीडेड मनी, क्योंकि उसे धन की जरूरत थी, फार माने के लिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा बाएं की स्पेलिंग गलत लिख दिया गया, क्योंकि हम भी देखिए बोल कर नोट्स लिखवाते हैं, ठीक है, तो गलती हो जाती है, तो एक आध तो आप उसको बताते थे नोट्स, अर्थ बताते समय सही करवा देते, यहाँ बाइंग पे ध्यान देना, BUING नहीं रहेगा, BUY तब ING रहेगा, बाइंग भी सोता खरीदना, फार बाइंग बुक्स, किताब में भी आपको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे, फार बाइंग बुक्स किताब खरीदने के लिए, एंड कैरिंग ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स और अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, ड्यू टू हिज केयरलेसनेस उसकी लापरवाही के कारण, क्लियर, फायर ब्रोक आउट, केयरलेसनेस मत काम लगा दो, फायर ब्रोक, अब यहाँ ड्यू टू हिज केयरलेसनेस में डी बड़ेस कर देना, इसके पहले फुल स्टॉप भी लगेगा, क्लियर, क्योंकि कुछ जब लिखवाए हैं तो आप लोग लिखे हो तो गलत किए हो जो सुधार कर लो, इसलिए अर्थ बताया जाता है।
तो एक बार ठीक है, तो ड्यू टू हिज केयरलेसनेस उसकी लापरवाही के कारण फायर ब्रोक आउट इन द रेलवे वैगन, रेलगाड़ी के डिब्बे में फायर माने आग लग गई, ब्रोक आउट माने लग गया ना, पकड़ लेना। सो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द हिज जॉब, इसलिए वो अपनी नौकरी से क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो चलिए एक बार इसको हम अर्थ को फिर से बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग समझ लीजिए। एडिसन ज्वाइन द रेलवेज, एडिसन रेलवे में नौकरी कर लिया यानी सम्मिलित हो गया था, ज्वाइन में सम्मिलित होना नौकरी कर लेना। बिकॉज क्योंकि ही नीडेड मनी फॉर बाइंग बुक्स, क्योंकि उसे किताब खरीदने के लिए ज़रूरत थी धन की। ध्यान देना बाइंग की स्पेलिंग BUYING रहेगा, जो लोग गलत लिखे हैं सही कर लें, सही है तो अच्छी बात है। उसे धन मतलब किताब खरीदने के लिए धन की जरूरत थी, एंड कैरिंग ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों को कैरियन मैंने जारी रखना, प्रयोगों को जारी रखने के लिए यानी कि करते रहने के लिए धन की क्या थी, जरूरत थी। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स बाद फुल स्टॉप लगा देना है, फिर ड्यू में डी बड़े कर देना है, क्लियर। ड्यू टू हिज केयरलेसनेस उसकी लापरवाही के कारण, फिर कामा लगाना है, फायर ब्रोक आउट इन द रेलवे वैगन, वैगन लिखो चाहे कैरिज लिखो या कंपार्टमेंट, सबका मतलब होता है डिब्बा। आग जो है रेलगाड़ी के डिब्बे में लग गई थी, उसकी लापरवाही के कारण रेलगाड़ी के डिब्बे में क्या लग गई थी, आग लग गई थी। सो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, इसलिए वो अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस तरह से रेलवे से रिलेटेड क्यों ज्वाइन किया या क्यों निकाल दिया गया, कुछ भी आए आपको यही आंसर लिख देना है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड टीचर थिंक दैट, अध्यापक ने क्यों सोचा कि एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, एडिसन मूर्ख और शरारती है, क्यों सोचा अध्यापक ने, तो देखते हैं आंसर। एडिसन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एडिसन ने अपने अध्यापक से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे, डिफरेंट माने अलग अलग, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे या विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछा। सो हिज टीचर थॉट दैट, इसलिए उसकी अध्यापक ने सोचा कि ही वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, यानी यह एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, इसलिए उसके अध्यापक ने सोचा कि एडिसन मूर्ख और शरारती है, क्लियर हो गया ना। फिर देख लो, एडिसन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एडिसन ने अपने अध्यापक से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे, इसलिए सो हिज टीचर थॉट दैट एडिसन वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, इसलिए उसके अध्यापक ने सोचा कि वह मूर्ख और शरारती है या एडिसन मूर्ख और शरारती है। यहाँ दैट के बाद चाहे एडिसन ना लिखो तो ही भी लिख दोगे तो चलेगा, क्लियर, वह मूर्ख और शरारती था, क्योंकि एक बार एडिसन लिखे हो तो यहाँ प्रोनाउन से भी काम चला सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट वे, माने किस ढंग से या किस प्रकार से डिड एडिसन फाइंड हिज मदर, एडिसन में अपनी माँ को पाया, द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी अध्यापक, किस प्रकार से एडिसन अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापक के रूप में पाया, या फिर हाउ डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, कैसे एडिसन अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापक के रूप में पाया। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। एडिसन फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म यहाँ देखें फाउंड हो जाएगा, डिड हटेगा तो एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, एडिसन अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापक के रूप में पाया। बिकॉज क्योंकि सी वाज पेशेंट इनफ, वह काफ़ी धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। यहाँ ध्यान देना, यहाँ नोट्स में जो लिख दिया आंसर्स नहीं रहेगा, आंसर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मतलब वर्ब है, आंसर माने उत्तर देना, नाउन नहीं है कि यस जोड़ोगे टू के साथ, ठीक है ना, सॉरी हाँ टू आंसर उत्तर देना, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्लियर। ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी उन्नति किया, विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, वह उसकी सहायता और मार्गदर्शन से अच्छी उन्नति भी किया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं इसका अर्थ, ताकि आपको और अच्छे से रटा ही जाए, अर्थ दिमाग में बैठ ही जाए। एडिसन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, एडिसन अपनी माँ को सबसे अच्छी अध्यापक पाया। बिकॉज क्योंकि सी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत क्या थी, धैर्यवान रहती थी, पेशेंट माने धैर्यवान या धैर्य के साथ देती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, वह उसकी सहायता और मार्गदर्शन से क्या किया, अच्छी उन्नति किया। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, एडिसन अपनी माँ से क्यों पिटाई प्राप्त किया, या गुड बीटिंग भी आ सकता है, अच्छी पिटाई क्यों प्राप्त किया, मैंने खूब पिटाई उसकी माँ के द्वारा उसकी क्यों हुई थी। तो आंसर हमारा कह रहा है कि एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, एडिसन अपनी माँ से पिटाई प्राप्त किया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड स्मैश द एग्स, क्योंकि उसने अंडे तोड़ डाले थे, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपना नेकर खराब कर लिया था। देखिए यस एच ओ आर टी शॉर्ट माने नेकर या हाफ पैंट जिसको कहते हैं, किताबों में राजू प्रकाशन में यस एच आई आर टी दिया है, काका में विद्या में यस एच ओ आर टी दिया है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा सही यस एच ओ आर टी है। तो आपके पेपर में चाहे शर्ट आए या शॉर्ट, दोनों सही है, क्लियर।
शॉर्ट्स माने होता है निकर। तो फिर से इसका अर्थ बता दे रहे हैं, एडिसन गॉट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर, एडिसन अपनी माँ से पिटाई प्राप्त किया, यानी एडिसन की उसकी माँ के द्वारा पिटाई हुई थी, बिकॉज ही हैड स्मैश द एग्स एंड स्पॉइल हिज शॉर्ट्स, क्योंकि वह अंडों को तोड़ डाला था और शॉर्ट को यानी नेकर को खराब कर लिया था। और शर्ट रहेगा, शर्ट मतलब कमीज होता, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इन वाट वे माने किस ढंग से एडिसन मेक द वर्ल्ड, एडिसन संसार को मेक मींस बनाया, ब्राइट एंड हैप्पी, प्रसन्न, ब्राइट माने चमकीला, हैप्पी माने प्रसन्न, एडिसन किस तरह से संसार को ठीक है चमकीला और प्रसन्न चित्त बनाया, ब्राइट माने प्रसन्न चित्त भी होता है, मतलब पूरा एकदम प्रसन्न चित्त कर दिया, क्लियर, चमकीला और प्रसन्न चित्त बनाया। आंसर देखते हैं, एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक था। तो यहाँ ध्यान देना, अमेरिकन के बाद साइंटिस्ट में यस नहीं जुड़ेगा, केवल साइंटिस्ट लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही वैज्ञानिक की बात किया जा रहा है, क्लियर, अमेरिकन साइंटिस्ट था वो, यस यहाँ नहीं जुड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर वन ऑफ द अमेरिकन साइंटिस्ट तब तो चलिए वन ऑफ की बात क्लियर है, लेकिन यहाँ केवल साइंटिस्ट रहेगा। एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक था, ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही वुड लाइक, वह चाहेगा, डब्ल्यू ओ एल डी वुड लाइक, वह चाहेगा टू गिव देना द वर्ल्ड, संसार को मोर लाफ्टर, अधिक हंसी एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। तो उसने कहा था कि वह संसार को अधिक हंसी और अधिक प्रकाश देना चाहेगा या चाहता है, ठीक है, वुड लाइक मीन्स चाहेगा या चाहता है, दोनों अर्थ होता है। बाय इन्वेंटिंग, आविष्कार करके ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट माने बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन और बिजली का बल्ब का आविष्कार करके ही लाइट पर यहाँ काम लगा दोगे, ही मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, वह संसार को चमकदार और प्रसन्नचित्त बनाया। एक बार फिर से इसका देख ले रहे हैं अर्थ, एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक था, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, कि वह संसार को अधिक प्रकाश और अधिक हंसी देना चाहता है। बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, ग्रामोफोन और बिजली के प्रकाश का आविष्कार करके ही मेड द वर्ल्ड ब्राइट एंड हैप्पी, वह संसार को चमकदार और प्रसन्नचित्त बनाया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाउ कीप हिज वर्ड्स, अच्छा ठीक, पहले ये क्वेश्चन रहेगा, व्हाट प्रॉमिस डिड एडिसन कीप, एडिसन ने क्या वादा किया था, हाउ डिड ही कीप हिज प्रॉमिस, उसके बाद रहेगा वह अपना ठीक है वादा कैसे पूरा किया, थोड़ा यहाँ प्रश्न मिस्टेक हो गया लिखने में, हाउ डिड ही कीप हिज प्रॉमिस, वह अपना वादा कैसे पूरा किया, व्हाट प्रॉमिस डिड एडिसन कीप, एडिसन ने क्या वादे पूरे किए, ऐसे भी आ सकता है, अच्छा, और व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन अमेरिका के लोगों से क्या वादा किया था। तो यही क्वेश्चन नीचे वाला, हाउ व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका आएगा, उसके बाद तब आएगा हाउ डिड ही कीप हिज प्रॉमिस, क्या वादा किया था और वह अपना वादा कैसे पूरा किया। चलिए कोई भी आए, दोनों आए, एक में आए, आपको यही आंसर लिखना है। चलिए आंसर देखते हैं, एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन अमेरिका के लोगों से वादा किया था दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, कि वह उन्हें बिजली का बल्ब देगा, ठीक है, एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, एडिसन अमेरिका के लोगों से वादा किया था दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, कि वह उनके बिजली का प्रकाश देगा। चलिए आगे, हाँ, तो कह रहा है कि उसने वादा किया था कि वह अमेरिका के लोगों को बिजली का बल्ब देगा इन टू ईयर्स, दो सालों में, लाइट मतलब बल्ब भी होता प्रकाश, इलेक्ट्रिक लाइट बिजली का प्रकाश दे देगा दो सालों में, क्लियर, यहाँ दो सालों में प्रकाश देने की बात की। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, वो अपना वादा पूरा किया बाय इन्वेंटिंग, ठीक है, बाय इन्वेंटिंग, इन्वेंटिंग मतलब आविष्कार करके, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब का, वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करके अपना वादा क्या किया, पूरा किया। एंड लाइटिंग ही लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला में इसे जला करके, लाइटिंग जलाना, ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 में नए साल के दिन। तो और हो जाएगा, तो देखिए, ही केप्ट हिज प्रॉमिस बाय इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करके अपना वादा पूरा किया। एंड लाइटिंग हिज लेबोरेटरी एंड न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ठीक है, नए साल के दिन 1880। तो हो जाएगा, वह अपना वादा बिजली के बल्ब का आविष्कार करके और 1880 को नए साल के दिन अपनी प्रयोगशाला में इसे जला करके क्या किया, पूरा कर दिया। वो अपना वादा, ठीक है, बिजली के बल्ब का आविष्कार करके और नए साल के दिन अपनी प्रयोगशाला में 1880 को जला करके क्या कर दिया, पूरा कर दिया, क्लियर, 80 में बना दिया था, फिर प्रयोगशाला में जला दिया, फिर उसके बाद क्या किया, वादा अपना
पूरा कर लिया। तब फिर आएगा न्यूयॉर्क जो है 1882 में प्रकाश की चमक से चमक उठा था। क्लियर, बनाने को तो 80 में ही बना दिया था। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है इसी में, ये तब भी आपको ये क्वेश्चन लिखना, डिस्क्राइब हाउ एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन कैसे अपना वादा पूरा किया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तब भी आपको ये आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन क्योंकि छूट गया था तो बाद में लिखा गया था, तो सबका आंसर वही आएगा। कहने का मतलब एडिसन ने क्या वादा किए थे, कैसे पूरा किया, या उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग का वर्णन करो। क्लियर, उस वादे का ठीक है वर्णन करो जो एडिसन ने पूरा किया, तो यही इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन का वो उसका वादा था। तो चलिए आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हु वाज एडिसन, एडिसन कौन था, डिस्क्राइब द इन्वेंशन उस इम्पॉर्टेंट ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ इन्वेंशन होगा, आप लिख छूट गया, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों का वर्णन करो मेड बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा किए गए। तो एडिसन कौन था, एडिसन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों का क्या करो वर्णन करो। देखिए प्रश्न पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न अगर समझ में आ गया तो जान लीजिए आधा उत्तर आ गया, ठीक है। तो इसलिए कुछ विद्यार्थी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रश्नों में नहीं समझ पाते इसमें क्या लिखे, इसलिए प्रश्न को पहला प्राथमिकता दो समझो, उसके बाद उत्तर समझो, ठीक। देखिए आगे, व्हाट इन्वेंशन डिड एडिसन मेक, यही प्रश्न ऐसे आ सकता है, एडिसन ने क्या आविष्कार किए, या फिर व्हाट इन्वेंशन वर मेड बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा क्या आविष्कार किए गए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट में यस नहीं रहेगा क्योंकि ए फेमस अमेरिकन लगा है, क्लियर, एक ही है। तो एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक था, ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, वह बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, एंड ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का, दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, जो उसे पूरे अमेरिका भर में क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। तो फिर से एक बार देख लो, एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक था, ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, उसने इलेक्ट्रिक लाइट यानी बिजली के बल्ब का और ग्रामोफोन का आविष्कार किया, दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, जो उसे पूरे अमेरिका में क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हाउ डिड एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन अपने देश की सेवा कैसे किया, सर्विस सेवा करना, या फिर व्हाई वाज एडिसन अवार्डेड ए मेडल, एडिसन एक मेडल से यानी पदक से क्यों पुरस्कृत किया गया। तो आंसर होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो वर्ल्ड वॉर के बाद कोष्टक में आप 1914 से 1918 भी लिख सकते हो, क्लियर, अगर डेट याद है 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान एडिसन सर्वड हिज कंट्री अमेरिका, एडिसन अपने देश अमेरिका की क्या किया, सेवा किया था। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, वह युद्ध के दौरान समय 40 बार आविष्कार किया था, ठीक है। ही मेड 40 वार टाइम, तो वार टाइम के बाद जो है इन्वेंशन रहेगा केवल, इन नहीं रहेगा, क्लियर। वह युद्ध के समय 40 बार आविष्कार किया था, और करें कि इन ऑर्डर टू माने के लिए, हेल्प माने सहायता, हिज कंट्री अपने देश की, इन वार युद्ध में अपने देश की सहायता के लिए, ठीक है। तो फिर से इसका अर्थ देख रहे हैं यहाँ तक का, तो फिर पेज पलटते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एडिसन सर्व हिज कंट्री अमेरिका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एडिसन अपने देश अमेरिका की सेवा किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन इन ऑर्डर टू हेल्प हिज कंट्री इन वार, वह युद्ध में अपने देश अमेरिका की सहायता करने के लिए 40 बार क्या किया, आविष्कार किया, ठीक है। ही वाज अवार्डेड, वह क्या अवार्डेड माने पुरस्कृत किया गया, बट ए मेडल, ही वाज अवार्डेड ए मेडल, वह एक मेडल से पुरस्कृत किया गया था, फॉर हिज वार टाइम सर्विसेज, अपने युद्ध के समय की सेवाओं के लिए, वह युद्ध के समय अपने की गई सेवाओं के लिए एक पदक से क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दसवां क्वेश्चन हमारा है। दसवां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंड, एडिसन का जो है महान और महत्वपूर्ण जीवन कैसे समाप्त हो गया। इवेंटफुल माने होता है महत्वपूर्ण या घटनायुक्त भी होता है, क्लियर, कैसे समाप्त हो गया। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंडेड, ठीक है, एडिसन का महान और महत्वपूर्ण जीवन समाप्त हो गया ड्यू टू हिज लॉन्ग इलनेस, उसकी लंबी बीमारी के कारण। देखिए यही क्वेश्चन सेम आता है, हाउ डिड ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ सॉक्रेटिस एंड, यह भी आ सकता है, सुकरात का महान और
महत्वपूर्ण जीवन कैसे समाप्त हो गया था, तो वो प्रोज वाले में है, तो उसको भी आपको बताया गया कि मतलब रूलर लोग उसके जीलसी करने लगे थे, वो सहन नहीं कर सके, उसको मृत्युदंड दिलवा दिए आरोप लगा के, क्लियर। तो वो उसका क्वेश्चन आपको सॉक्रेटिस वाले में मिलेगा, इससे कन्फ्यूज मत होना, क्लियर। यहाँ एडिशन की बात किया जा रहा, तो चलिए ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या मिल गया कि महान और महत्वपूर्ण एडिसन का जीवन कैसे समाप्त हो गया, एक बार फिर सुन लो कि ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन एंडेड ड्यू टू हिज लॉन्ग इलनेस। तो एडिसन का महान और महत्वपूर्ण जीवन उसकी लंबी बीमारी के कारण समाप्त हुआ था, क्योंकि बीमार हो गया अचानक, धन्यवाद देने खड़ा था तो राष्ट्रपति को, तो उसकी बीमारी बढ़ती ही गई और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट एडिसन, सभी वैज्ञानिक एडिसन पर क्यों हंस पड़े, एडिसन की क्यों हंसी उड़ाए। तो आंसर कह रहा है व्हेन एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब एडिसन जो है बिजली के बल्ब पर काम करना शुरू किया था, द अदर साइंटिस्ट थॉट इट इम्पॉसिबल, तब दूसरे वैज्ञानिकों ने इसे असंभव सोचा एंड लाफ्ड एडिसन, और एडिसन की क्या किया, हंसी उड़ाया, क्लियर। तो फिर बता दे रहे हैं व्हेन एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब एडिसन ने बिजली के बल्ब पर कार्य करना शुरू किया, द अदर साइंटिस्ट थॉट इट इम्पॉसिबल एंड लाफ्ड एडिसन, तब दूसरे वैज्ञानिकों ने इसे असंभव समझा और क्या किया, उसकी हंसी उड़ा दिया था। तो क्यों हंसी उड़ाया था पता चल गया ना, क्योंकि दूसरे वैज्ञानिकों ने सोचा था असंभव है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्लियर। इसलिए कि बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बना पाए, चले हैं ये अब्दुल बनाने, यही समझ के वो लोग हंस पड़े थे, क्लियर। तो लेकिन ये कोई भी आदमी कितना आगे निकल सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सफलता कभी उम्र की मोहताज नहीं होती है, माने ये रखता है कि आप कितने कम उम्र में कितना सीखे हैं, आपकी उम्र कितना हुई ये माने नहीं रखता है, क्लियर। तो ये चीज़ें, वाई हैज या हैड द लाइफ ऑफ एडिसन बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल, एडिसन का ठीक है, वाई हैज भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है, द लाइफ ऑफ एडिसन, एडिसन का जीवन क्यों बीन कॉल्ड कहा गया है ग्रेट एंड इवेंटफुल, महान और महत्वपूर्ण, एडिसन का जीवन महान और महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है, आंसर देखते हैं। द लाइफ ऑफ एडिसन हैज बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल, एडिसन का जीवन महान और महत्वपूर्ण कहा गया, क्यों कहा गया है, बिकॉज क्योंकि ही गेव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, क्योंकि उसने संसार को अधिक हंसी दिया, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश दिया, बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन का आविष्कार के, एंड इलेक्ट्रिक लाइट, और बिजली के बल्ब का आविष्कार करके। तो हो जाएगा ठीक है, फिर से देख लेते हैं इसको, द लाइफ ऑफ एडिसन हैज बीन कॉल्ड ग्रेट एंड इवेंटफुल, एडिसन का जीवन महान और महत्वपूर्ण कहा गया है, बिकॉज क्योंकि ही गेव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट बाय इन्वेंटिंग ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, क्योंकि उसने संसार को ठीक है, अब मतलब कि ग्रामोफोन का आविष्कार करके और बिजली के बल्ब का आविष्कार करके अधिक हंसी और अधिक प्रकाश दिया है। तो ये था आज के वीडियो का जो है एडिसन के पार्ट से जो है, यानी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, पहले पार्ट से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये 12 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इसमें से पूरी गारंटी है आपको बोर्ड परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। और यही नहीं, जो है पार्ट दो की भी वीडियो जो है आपको मिल रही है चैनल पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, क्योंकि ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। और इसके अलावा आपको आगे प्रोज की भी जो है वीडियो आपको पूरा चारों पार्ट की जो है जितना एग्जाम में आएगा जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा अनसाल पेपर की भी आपको तैयारी चैनल पे करवाई जा रही है, उसको भी आपको धीरे धीरे पूरा मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले सब कुछ तैयारी चैनल पे करवा दी जाएगी, इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जहाँ आप जुड़े हैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है पढ़ सकें और उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।